देखिए दो सॉल्यूशन है, एक यूरिया सॉल्यूशन है और एक Na2SO4 सॉल्यूशन है और ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक और जब आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक में जो भी पूछेगा तो मेरे पास तो तीन ही फॉर्मूले हैं, तीन में से कोई एक फॉर्मूले यूज करेंगे। अभी आप तो बताओ यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज करें, C1T1 = C2P2, उसी में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, परसेंटेज W/V रिलेटेड नहीं है या फिर W/W रिलेटेड भी नहीं है। तो वी नो दैट C1T1 = C2P2। आइसोटोनिक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला क्यों फॉर्मूले लगा रहे हो, क्योंकि सर आइसोटोनिक का ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ना ही W/V रिलेटेड है ना ही W/W रिलेटेड है, मेरे पास तो तीन ही फॉर्मूले हैं तीन अलग अलग केस के लिए। ये जो आइसोटोनिक का क्वेश्चन है, ये आइसोटोनिक का क्वेश्चन ना ही W/V रिलेटेड है ना ही W/W रिलेटेड है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यूज कर लिया ठीक है। लेकिन आप जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो टेम्परेचर चाहिए, तो क्वेश्चन ने टेम्परेचर का जिक्र नहीं किया है तो क्या समझोगे आप, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा नहीं, तो टेम्परेचर की कॉन्स्टेंट, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या कहेंगे C1 = C2। लेकिन आइसोटोनिक का ये जो क्वेश्चन बनाओगे क्या नॉर्मल बनाओगे या आई को मल्टीप्लाई करके, आई को मल्टीप्लाई करके, एक में आई मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें आई मल्टीप्लाई नहीं होगा। मान ली कंसंट्रेशन दुनिया का है और ये कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का है, इसमें आप आई मल्टीप्लाई कर लूँगा पहले या बात जहाँ करना है तब यहीं पर कर देता हूँ। कंसंट्रेशन पहला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना 0.01, दूसरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.004। आई के बदले आई का फार्मूला लिखेंगे, हमको अल्फा निकालना है क्या, आई निकालना है, आई निकालना है, बॉन्ड फैक्टर निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है अल्फा, तो इसके फार्मूले में अल्फा छुपा हुआ है, तो इसका फार्मूला बोलो अभी कौन बोला, लिखो 1 + n - 1 × α लिखो या 1 + 1/n लिखो, डिसोसिएशन वाला लिखेंगे इसलिए डिसोसिएटिव नेचर का है, 1 + n - 1 × i की जगह पे लिखेंगे। तो (0.01 = 0.004) 1 + n, n का वैल्यू कितना तोड़ोगे ना तीन पार्ट पे मिलेगा, इसे तो निकलता है ना Na2SO4, Na का कितना एटम तो क्या Na2, इसमें चार जाएगा SO4 का, SO4 चार एटम का काम करेगा या एक एटम का, ब्रेक करो तुम पहले इसको, ऑफलाइन में सब पढ़ाया था ब्रेकिंग, ब्रेक करो इसको, सब खा पी गया है। N2 का दो ही टर्मिनल जी, टोटल क्या लिखेंगे 2n, इसमें चार जाएगा दूसरे का, SO4 चार एटम का काम करेगा या एक एटम कंबाइंड एटम का काम करेगा, एक एटम कंबाइंड करेगा ये, तो +1 SO4 एक एटम है बोलो 1 SO4 -2 हो जाएगा नहीं, तो पार्टी कितना मिला है Na+ का दो सल्फेट का, ये छोटे नंबर पार्टी तीन होगा।
थ्री माइनस अल्फा आप निकालना ही छोड़ दें, जीरो पॉइंट जीरो वन इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर वन प्लस, देखो यहाँ पे तीन में से एक जाएगा दो, टू इंटू अल्फा। ओके आप ऐसा करो ना, आप अल्फा का वैल्यू निकालना, इसको आप यहाँ नीचे ले आओ डिवाइडेशन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.01 बटा दो 0.004, ये नीचे आ गया और अपने नहीं जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। इसको डिवाइड करो, देखो पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में दो जीरो आएगा और ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में तीन जीरो जाएगा, तो जीरो जीरो कैंसिल होगा तब पर भी एक जीरो ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा इसका जो वैल्यू आएगा ना डायरेक्टली तो 10/4 आएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और इसको डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 5/2 2.5 मिलेगा, नहीं मिलेगा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। इसको इधर ले आओ 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा, माइनस कर लो 1.5 अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1.5/2। आप जब इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.75 इसको आप परसेंट बना दो, ठीक है अल्फा परसेंट के साथ, सो अल्फा परसेंट इक्वल टू 75% 100% इतना परसेंट जिसको सेव करो। देखो बस यही पर टेंशन है, उसका इजी पड़ेगा, इसको बर्दाश्त करो, सीखने का कोशिश करो। हो गया, देखो एक नोट पॉइंट बोला आपको,
आप लिखते छोड़िए संख्या। ये आपको याद रखना है। बोलो देखिए आप इसको यूज कैसे करेंगे, ये क्या चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन रहेंगे, तो चारों ऑप्शन में सॉल्यूशन का नॉर्म डी दिया रहेगा या मॉल डी की दिया रहेगा। आपको एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में चार ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, अलग अलग सॉल्यूशन होगा और चारों अलग अलग सॉल्यूशन का
वो नॉर्मल ठीक कर ही देगा, चारों अलग अलग सॉल्यूशन का नॉर्म ठीक दिया जाएगा। हो सकता है चार अलग अलग सॉल्यूशन है, चारों अलग अलग सॉल्यूशन का मॉडरिटी दिया है, कभी क्वेश्चन में चारों सॉल्यूशन का नॉर्म ठीक दे देगा, कभी क्वेश्चन में चारों सॉल्यूशन का मॉडरिटी दे देगा, कभी क्वेश्चन में चारों सॉल्यूशन का मॉडरिटी दे देगा। चार अलग क्वेश्चन क्या है, चार अलग अलग सॉल्यूशन दिए रहेंगे और चारों अलग अलग सॉल्यूशन का नॉर्म टी देंगे, बोलेगा इस सॉल्यूशन का नॉर्म टी इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, इसका, या कभी मॉडरिटी दे देगा या कभी मॉडरिटी दे देगा, इतना दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग है, इनमें से किसके पास विच ऑफ द है मैक्सिमम रिलेटिव लोडिंग पेपर प्लेसेस, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैक्सिमम ओनली बॉइल। देखो ये चीज और ये चीज अलग है, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग, ये सिर्फ है बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से, डेल्टा टीवी अब बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं टीवी से, है ना। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मेरा सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, तो विल बी मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप सीधा सर भाषा में याद रखो, छोटी भाषा में कुछ नहीं करना, यदि पूछेगा ना कुछ ज्यादा फॉलोइंग मैक्सिमम और मिनिमम, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ रहे हैं फटा के क्या करना, चारों सॉल्यूशन में जो चारों सॉल्यूशन है, जब चार सॉल्यूशन लिख के दे दिया है, तुम सॉल्यूट को पहचान लेना, जिसमें बोला एन ई टू एस ओ फोर सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन में क्या बोला तुरंत समझेंगे सॉल्यूट कौन है एन ई टू एस ओ फोर, दूसरा ऑप्शन में दिया एन ई सी एल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट क्या समझोगे, तीसरा ऑप्शन में दिया के सी एल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट क्या समझोगे, चौथा ऑप्शन में दिया यूरिया सॉल्यूशन, सॉल्यूट कौन होगा, तो तुम क्या करना हर देखे सबका आई कैलकुलेट कर लेना, क्या कैलकुलेट करना, चारों सॉल्यूट का आई पहले कैलकुलेट कर लेना, और आई कैलकुलेट करने के लिए आई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आई का दो फॉर्मूला है, एक है वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, और एक फॉर्मूला है वन प्लस वन बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा। तो आप आई कैलकुलेट करने के दौरान जरूर चेक करिए कि सॉल्यूट है कैसा, जैसे उन आठों में से कोई एक रहेगा, जैसे यूरिया लास्ट में था, तो उसका आई कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसका आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, और डायरेक्ट यदि क्वेश्चन एसोसिएशन टाइप का नहीं है तो वन प्लस वन बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा लगा के आई नहीं निकालिएगा, डिसोसिएशन टाइप करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वन प्लस एन माइनस, तो आई निकालने का आता ही है, सॉल्यूट भी पहचानने के लिए आता है, आई निकाल लीजिएगा, चारों ऑप्शन में सॉल्यूट का पहले आई निकाल लीजिएगा, उसे कराऊंगा आई निकाल करके सभी के आई में सभी के नॉर्मलिटी, यदि नॉर्म टी दिया रहेगा तो नॉर्म टी से चारों में गुणा करिएगा, आई इंटू नॉर्म टी पहले ऑप्शन के लिए भी, दूसरे ऑप्शन के लिए भी आई इंटू नॉर्मलिटी देगा तो चारों में नॉर्म टी देगा, या तो देगा तो चारों में, तो चारों का पहले आई निकाल लेना, चारों के आई में बारी बारी से नॉर्म टी वैल्यू को क्या कर दिएगा, मल्टीप्लाई कर, यदि नॉर्म टी दिया तो, यदि मॉडरिटी दिया रहेगा तो आई के वैल्यू में मॉडरिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि मॉडरिटी दिया रहेगा तो आई के वैल्यू में मॉडरिटी से करने के बाद तब देखिएगा किसके पास मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैक्सिमम वैल्यू है आई इंटू एन का, किसके पास या आई इंटू एम का, या क्वेश्चन में क्या देगा, या तो नॉन टी दिया रहेगा चारों में, या तो मॉडरिटी दिया रहेगा, तो जिसके पास i into n के पास मैक्सिमम वैल्यू, देख लेंगे किसके पास i into n का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए बोल दीजिएगा
क्वेश्चन यदि इसका होगा तो बोले रिलेटिव प्रश्न मैक्सिमम होगा या क्वालिफाइंग यदि वो मैक्सिमम ये कुल मिला के 5 मैक्सिमम ये यदि इधर यदि मैक्सिमम होगा तो ये 5 मिला क्या होगा तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो कोई एक उठाएगा या तो इसके बारे में पूछेगा या तो इसके ये 5 क्या चलेगा उस समय मैक्सिमम चलेगा और यदि इन दोनों का क्वेश्चन रहेगा उधर मैक्सिमम आया अरे फ्रीकिंग पॉइंट और तो बोलेंगे ये मिनिमम क्या होगा मिनिमम याद रखोगे यदि उसका वैल्यू मैक्सिमम 5 भी मैक्सिमम चलेगा उसका वैल्यू क्या ये दिमाग लगाओ उसका वैल्यू क्या मैक्सिमम तो 5 का वैल्यू मैक्सिमम 2 का वैल्यू पक्का उल्टा करके बोलो I into L या I into M या I into L का वैल्यू मिनिमम ये 5 ये 5 मिनिमम और ये दोनों मैक्सिमम समझे ये 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये दोनों उधर से मैक्सिमम चलेगा ये 5 मैक्सिमम रहेगा और ये दोनों मिनिमम रहेगा उधर से वो मिनिमम रहेगा ये 5 मिनिमम रहेगी और ये दोनों मैक्सिमम तो आप पहले देख लेना हमसे मैक्सिमम पूछा है या विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम इन 5 में से कोई एक देगा बोले विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम फिर देख आई इनटू एन आई इनटू एम आई इनटू एम निकाल के देखें किसका मैक्सिमम मैक्सिमम ऑप्शन नंबर बोले विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम इन 5 में से कौन 5 दिया रहेगा 5 में से कोई एक पूछेगा इनमें से कौन मिनिमम उधर देखेंगे उधर किसके लिए मिनिमम आया ये भी हो जाएगा नेक्स्ट सवाल तो कैसे बोल पूछेगा पूछे कौन मैक्सिमम तो मैक्सिमम बोल देना किसका वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा इनमें से कौन मिनिमम है जो उधर उससे मिनिमम होगा उसके लिए भी अभी ये दो के लिए इनवर्स लिया पूछेगा इनमें से कौन मिनिमम तो देख लेंगे उनमें से किसके लिए मैक्सिमम आया जिसके लिए आई इंटू एम मैक्सिमम आया होगा उसके लिए हो जाएगा टेक्निकल क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है याद रखना कर लोगे हम ये क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है एक और डाटा है एक और ये हुआ ना आपके पास कुल 8 यूनिट है ए नॉर्मलिटी मॉलिटी मॉलिटी मोल फ्रैक्शन प्रीमियम और W/W W/D D/D वो 3 को भी नहीं छोड़ेंगे कभी क्या करेगा ये तीनों में से कोई एक देगा कभी क्या करेगा परसेंट देता है क्या देता है परसेंटेज W/W दे देगा 4 ऑप्शन में कभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में परसेंटेज W/D दे देगा कभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में परसेंटेज B/D ये सब चीज पूछ लेगा तो उस समय कैसे काम करना ध्यान से आई निकाल लेना क्या निकाल लेना उसके बाद जितना परसेंट दिया रहेगा ना 10% दिया रहेगा जिसको कुछ ना परसेंट दिया रहेगा परसेंट आई को किसे परसेंट से मल्टीप्लाई करना है एक काम और दूसरा काम सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है क्या देखोगे क्या करना है जितना परसेंट दिया रहेगा उस परसेंट को और एक और काम करना सॉल्यूशन का नाम सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सॉल्यूट का नाम पता कर देना और रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना जिसके लिए मैक्सिमम होगा आई इंटू परसेंटेज वैल्यू अब बटा में मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल वैल्यू जिसके लिए ये 5 मैक्सिमम होगा और ये 2 मिनिमम इसको भी छाप लो या तो ऐसे कर लो और करके कर लो तो और करके भी होते चलेगा उसी की जो और कर लो कभी मल्टी नॉन की मल्टी देगा कभी परसेंट देगा उसी में और कर लो ऊपर नीचे करके नहीं समझे खाली देते हाँ उसी के नीचे और कर लो मीन्स इस और का मतलब क्या कभी क्वेश्चन में नॉर्म की मॉलिटी या मल्टी देगा और कभी परसेंट जिस हिसाब से नॉर्म की मल्टी चला है उसी हिसाब से मेरा परसेंट भी जाए इसी तरह से सोच बना था समझ ना
सिंपल छोटा क्वेश्चन। अब सुन लो, ये ऐसा मत सोचना इंट्रेंस में एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड एग्जाम इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नॉन कॉम्प्लीट पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तुम ही लोग बनाओ, तुम बोलो हम बनाएंगे, आराम से बोलेंगे, टेंशन लेके नहीं उठना है, प्रेशर नहीं करना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम, आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम एलिवेशन इन, आपको मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट चाहिए, आपको मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, जानो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट तभी मिलेगा जब आपको आई इंटू एम का मान जिसके लिए सबका एम दे दें, क्वेश्चन में कभी एम दे देगा, मलरिटी दे देगा, कभी यही विचारों में नॉर्मिटी दे देगा, तो कभी चारों में मल्टी दे। हम पहले देखेंगे हमको क्वेश्चन पूछा क्या है, उसके हिसाब से काम करेंगे, हमको क्या चेक करना है, मैक्सिमम, और हम इस बात हमको याद है, एक बार इस तरह का लाइन याद है, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसी के पास होगा जिसके पास आई इंटू जो एम दिया है, I इंटू एम का मान उधर मैक्सिमम तक मिलती है, मैक्सिमम होता है, समझ रहे ब्रदर, ये कब मैक्सिमम होंगे, I इंटू एम का मान, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चारों का I पता करना पड़ेगा, उसके बाद चारों के I में चारों के M से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अंक तो देखने आता है कौन अंक बड़ा है कौन अंक पक्का। आप बताओ सबका आई पहले निकालो, तब तो आई से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आई निकाल सकते हो, कैसे निकालो, फार्मूले लगा के या डायरेक्ट वन बोलोगे, फार्मूला लगाना, इसके लिए आई का मान वन, क्या आठों में से कोई आई फॉर्मूला लगा, इसका आई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, डिसोसिएशन वाला या एसोसिएशन वाला, इसके पहले क्या करते हैं, इसके लिए आई का मान एक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये सल्यूट होगा आठों में से, इसके लिए फॉर्मूला लगा के आई निकालना पड़ेगा, तब दो दो को फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला लगाए, डिसोसिएशन वाला, क्योंकि यहाँ पे डायवर्सन डायवर्सन वगैरह वगैरह नहीं है, वो सॉल्यूट सॉल्वेंट भी नहीं है, वन प्लस कौन सा फार्मूला लगाओ बोलो, पक्का, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, यदि आपका स्मार्ट होता बिना पेन चलाए हुए आंसर हम लाएंगे, लेकिन मेरी बात को याद रखो, जितना बात बोलता हूँ, अभी आपने बोला ना कि सर इसका आई निकालेंगे फार्मूला लगा करके,
जब आप फार्मूला लगा करके आई निकालोगे, प्लीज जब फार्मूला लगा करके आई निकालोगे तो उसमें आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, और एल की जरूरत पड़ेगी। अल्फा का वैल्यू आपको पुट करना होगा, क्या इसको सिर्फ अल्फा दिया है, नहीं दिया तो क्या करोगे। ये बात याद है, इसके लिए थैंक यू आपको, ये बात याद है। एक बात और याद रखो तब कल थैंक यू बोलेंगे। यदि क्वेश्चन में अल्फा का मान नहीं दिया है तो आप उस समय समझते हो अल्फा का मान कितना हो गया, ये बात है। यदि अल्फा का मान एक हुआ, यदि अल्फा का मान एक हुआ तो उसमें बोलना कि सर इसके लिए जितना एन होगा उतना ही आई भी होगा, जितना होगा। यह बात याद रखो, हम आई नहीं निकालेंगे, मैं तब आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसका एन दो मिलेगा, दोनों में तो दो पार्टी मिलेंगे, पोटेशियम का एक पार्टी, एन का मान दो अभी निकालेंगे ना आई का मान, इसका आई का मान भी दो ही रहेगा। देखो निकाल देता हूँ, वन आई इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, कितना पुट करने वाले हो, करने वाले ना, वन वन प्लस एन कितना पुट करने वाले हो, टू ना, टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना, वन इंटू वन, ये वैल्यू कितना हुआ, वन वन प्लस वन, याद रखोगे, सिंपल याद रखो। यदि अल्फा का वैल्यू कितना होता तो जितना एन होगा ये इस देखते के बना, इसके लिए एन कितना, आई कितना, तो फटाफट लिखते भी चले। अब इसके लिए अल्फा नहीं दिया, जितना एन उतना इसके लिए एन कितना, तीन, एन ए का दो पार्ट है, सल्फ्यूरिक रहेगा। एन का वैल्यू कितना, आई कितना, इसके लिए बोलो एन कितना, यूरिया है आठों में से कोई एक है, हालांकि डायरेक्ट आप बोल दो एन बी वन आई बी वन, आई का मान कितना हो गया, चौथा तो नाम बी है, सब का आई पता चल गया। अब क्या करो, आई इंटू एम कर लो, मने मन इसका आई इंटू एम कितना होगा, जीरो पॉइंट टू, इसका आई इंटू एम कितना होगा, इसका आई इंटू एम कितना होगा, हो गया। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो देखो किसके पास आई इंटू एम मैक्सिमम आया, ए बी सी डी इन चारों में किसके पास आई इंटू एम का मान मैक्सिमम, बी के पास ना है, इसके पास आई इंटू एम का मान कितना, 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पास कितना, 0.3, इसके पास 0.1, किसके पास मैक्सिमम, अब भाई आपको मैक्सिमम खोजना है या मिनिमम खोजना है, आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, उधर से हम क्या करेंगे, यहीं पे बोलता है, यहीं पे क्वेश्चन में सब काम करेंगे, यहीं पे बोलता है मिनिमम एलिवेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब किसको खोजते हैं, उधर से आई इंटू एम मिनिमम खोजते हैं, आई इंटू एम मिनिमम किसके पास होता है, सर कहो क्या पूछा उसके हिसाब से उधर मैक्सिमम मिनिमम करना है, मैक्सिमम पूछेगा मैक्सिमम खोज लेंगे, मिनिमम पूछेगा तो हो जाएगा। पूछूं इन चारों में से किसके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, बी के पास, किसके पास मिनिमम है, किसके पास एलिवेशन मिनिमम, मिनिमम मिनिमम तो मिनिमम को देंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन चेंज कर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, बी होगा, ए इन चारों में से बी के पास, बोलो बी के पास, बोलो बेटा दिमाग में ये जाता है, इन चारों में से बी के पास आई इंटू एम का वैल्यू, आई इंटू एम का वैल्यू क्या है, थ्री, मैक्सिमम है या मिनिमम, मैक्सिमम, तो क्या क्या इसके लिए मैक्सिमम हो सकता है, ये पांचों मैक्सिमम,
पांच में से आप कुछ बैठाएगा ना, ऑप्शन क्या बनेगा? इन पांच में से कुछ यहां देगा तो ऑप्शन क्या बनेगा? लेकिन ये दोनों बैठाया बोलेगा यार बोलेगा मिनिमम फिटिंग पॉइंट या मिनिमम, ऑप्शन क्या होगा? ना डी। ये मिनिमम कब हुआ? मैक्सिमम। ये पांचों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये आपको क्या खोजना है? उधर देखो क्या मैसेज बात करो और ये मैक्सिमम खोजता उधर हम देखते हैं करोगे होगा है? लेकिन जो कर लिया भविष्य में कुछ कर लेता है, यही एक तपस्या होता है, पढ़ाई तपस्या होता है, पेड़ बनाना रहता है तो बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। हाँ, यदि आपका मन है कि नहीं हमको आगे चल के अपनी नई पहचान नहीं बनाना है तो सिंपल पढ़ो, पर कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको पहचान बनाना है, अपने पैर पे खड़े होने का मन है, तब आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उस स्ट्रगल के दौरान कष्ट होगा, उस कष्ट को झेलना पड़ेगा, तब बन जाओ जो रियलिटी है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, आपके पास नॉलेज रहेगा, प्राइवेट जॉब भी करते हुए अच्छी सैलरी आप उठा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। अभी क्लास में स्ट्रेंथ नहीं है तब पर भी एक मोटिवेशन हम आपको देता हूँ। एक मेरे काफ़ी करीबी दो लड़की थी और मेरी सिस्टर थी और चचेरी सिस्टर थी, पूजा और शरण। करीबी का मतलब बहुत कुछ होता है, इसलिए पूजा और सिस्टर, तो दो सिस्टर थी और दोनों सिस्टर बहुत छोटी है, मेरी सिस्टर जैसे काफ़ी एज में छोटी है तो नॉर्मल पर ही है। ये भागलपुर मेरा नहीं पड़ी तब तक भागलपुर आया भी नहीं था पढ़ाने के लिए, तब तक विजय कर रहा था विजय, तो वो यहीं से पढ़ के गई है। वो संतोष सुंदर की फास्ट ट्रांसडिविजन हो गई ट्वेल्थ में, चलो ठीक है, तब तक हम लोग उसको कुछ नहीं समझते थे, चलो पढ़ रही और बी एस सी नर्सिंग कर ली। विजय सर क्लास में आप लोग को कभी बताया होगा, बी एस सी नर्सिंग कर रही आप लोग, प्राइवेट से बी एस सी नर्सिंग कर रही, बीएससी नर्सिंग कर ली। बीएससी नर्सिंग में जो शबनम थी छोटी थी, पूजा बड़ी थी, पूजा एवरेज रह गई, अच्छा नंबर आ गया ठीक है, लेकिन जो शबनम थी वो बिहार का टॉपर बनी पिछले साल शबनम। और जब भी थी टॉपर बनेगी तब ये होगा, पूजा का टॉपर था तो एवरेज था, जब दोनों का रिजल्ट होगा फोर ईयर पास आउट हो गई तो पूजा का एम्स पटना में वन ग्रेड नर्स में जॉब हुआ, भले कॉन्टैक्ट पे हुआ चार साल का कॉन्टैक्ट, और शबनम का आईजीएमएस में हुआ उसका भी चार साल का कॉन्टैक्ट क्लियर, सैलरी 32,000 चार साल तो उसको आपको हिला नहीं सकता है, चार साल तो उसका सेटल हो गया। अब देखो चार साल भी नहीं पूरा है, ये दूसरा साल है शबनम का, आप कभी पेपर में देखो कि आज से सात दिन पहले मोबाइल रिकॉर्ड होता है, मैं तुम आपको फोटो दिखाता आपको पेपर का, शबनम का जो चयन हुआ है पांच स्टूडेंट में, वो भी एक स्टूडेंट है जो कि एक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। तो बच्चा कौन बहुत दिल्ली पंजाब हरियाणा गुड़गांव जाके पढ़ा, सिंपल पढ़ा है हाँ, लेकिन हाँ ये था कि वो उसमें जब बच्चे थे तो बच्चे में हम लोग उसको बोलते थे लठिया पुलिस, इसलिए उसका जो नेचर था पुलिस की तरह नेचर था, उछलना कूदना जंप करना डिस्क करना डैप करना, तो एक
एक्टिव रहा एज ए बॉय। तो जब कि बॉय रहेंगे तभी हम बॉय की तरह बॉय ही नहीं करता है। आप एक्टिव कितना हो आप कितना ट्रस्ट करके पढ़ रहे हो वो मीनिंग आता है एक सफलता के। तेरी पढ़ाई में कष्ट हो गया तो सक्सेस कर रहा हूँ कष्ट नहीं हुआ सक्सेस। इधर तो हम लोग घर नहीं गए लेकिन पिछले बार लोग एक महीना हम लेकर रहा था हम देखते थे उसको आते रहता था कॉलेज आते रहता था कि इस बच्चे को थोड़ा कुछ बता दो बता दो तो देखते थे बताते थे और उस समय तक हम उसको कुछ नहीं समझते पढ़ नहीं पढ़ रही लेकिन उसको उस समय तक पूजा का हुआ था सब लगता हुआ था। ये चीज़ होता है जिसमें हम आप सोचे कि आप भी कर सकते हो आप करो सर एक्चुअली यदि हो गया बहुत बड़ा चलो इतना याद रखोगे एक क्वेश्चन लिखो विच आर द फॉलोइंग की विच आर द फॉलोइंग की मिनिमम फिटिंग पॉइंट विच आर द फॉलोइंग की मिनिमम फिटिंग पॉइंट विच आर द फॉलोइंग की मिनिमम फिटिंग पॉइंट क्वेश्चन लिखिए विच आर द फॉलोइंग की मिनिमम फिटिंग पॉइंट। आपको मिनिमम फिटिंग पॉइंट सोचना है मिनिमम तभी मिलेगा जब उधर मेरा हाँ लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा इनिशियल सॉल्यूशन बता देखते देखते बताओ मिनिमम खोजना है मिनिमम के लिए मैक्सिमम चाहिए क्या मैक्सिमम चाहिए आई इंटू परसेंटेज बटा में ये हमको क्या चाहिए मैक्सिमम इसके लिए थोड़ा समय लगेगा तो देखो समय भी बचा जा सकता है आई इंटू परसेंटेज बटा में क्या सबके लिए परसेंटेज सेम 10 तो डिसाइड नहीं करेगा कौन मैक्सिमम है कौन सब में 10 है। अब डिसाइड कौन करेगा आई और फटाक दे बोलो इसका आई दो की पार्टिकल दो एन का वैल्यू दो तो आई भी चलता है इसके लिए एल आई का वैल्यू कितना हो जाएगा दो इसके लिए आई का वैल्यू बताओ तीन पोटेशियम का एक और सल्फेट का कंबाइन आइटम एक आई का वैल्यू भी कितना ग्लूकोज आई आठ में से इसकी यूरिया आठ में से। अब थोड़ा सा कष्ट क्या करना पड़ेगा सबका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा पता करना पड़ेगा ओके इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5 तो 58.5 आएगा हमें याद है 35.5 पाँच दिन आपके और 20 तो पाला के लिए कितना है बच्चों आई का मान कितना है 2 और टेन कर दो हम क्या कर अब बटा में क्या 58.5 अब ए बी के लिए बोलो तो बोलो इस तरह से थ्री इंटू हम मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालो पोटेशियम का 39 होता है 39 को दो बार गुना करोगे कितना हो जाएगा 78 सल्फर का कितना 32 ऑक्सीजन का 16 चौका 64 कितना हो जाएगा 4 2 6 8 6 14 170 इसमें करना देखने देना सी का निकाल लो
आई वन इंटू अब्दुल को इसका 180 नहीं, और चौथा निकालो आई का भी वन इंटू 10 बाय यूरिया का 7। आपको क्या चेक करना है, मिनिमम फिटिंग पॉइंट। फिटिंग पॉइंट मिनिमम उसी के लिए होगा जब इसके लिए क्या है, देखो ना मैक्सिमम कहाँ चल रहा है, बता सकते हो मैक्सिमम कहाँ चलेगा। इसके लिए मान आ जाएगा 1/6, इसके लिए मान आ जाएगा 1/18, और इसके लिए मान आ जाएगा 30/174, इसके लिए आ जाएगा 20। देख लेना जिसके लिए क्या मैक्सिमम होगा उसके लिए फिटिंग पॉइंट क्या आ जाएगा। अब देखना इनमें से कौन है जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है, कौन मैक्सिमम, जो मैक्सिमम होगा उसके लिए फिटिंग पॉइंट उसमें टिक मारना सॉल्व कर लो। और इसको लिख लो ग्राफ लिख लो, करोगे रख लो इसको रख लो मेरे तरफ। 5 मैक्सिमम होगा जब उधर का मैक्सिमम, 5 मिनिमम होगा जब उधर का मिनिमम, 2 को अलग से याद रखो, ये दोनों मिनिमम होगा जब उधर जब ये दोनों जब ये मैक्सिमम होगा, 2 को अलग से 5 को अलग से 7 हो जाएगा। तो इससे लाउड वर्ड को इजी बताए तो रिपार्ट है, कल से टॉपिक एंड कल संडे आना तब 10 तक गाइडेंस दे रहा हूँ। हाँ जी संडे आ जाना, अभी नहीं पूछ रहा।